नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी आज से हम बच्चों अकाउंट का शुरुआत कर रहे हैं और आज से हम बच्चों अकाउंट का पहला यानी अकाउंट का पार्ट वन जो है बच्चों, जिसका नाम है जो पहला चैप्टर है बच्चों, वो हम पढ़ने वाले हैं यानी साझेदारी का विषय प्रवेश, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। और बच्चों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है बच्चों, और हम आज से हम पहले चैप्टर की शुरुआत करेंगे। और जिन बच्चों को अकाउंट पूरा डिटेल में समझना है बच्चों, वो सारे बच्चों को बड़ा यूट्यूब पे हम फ्री में पढ़ाने वाले हैं। टोटली सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे बच्चों, बस आप लोगों को करना क्या होगा बच्चों, शांति से वीडियो को देखना है और समझना है, और जो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूँ उसे आपको प्रैक्टिस करना रहेगा बस। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारे के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। थियोरिकल के लिए बच्चों मैं अलग से एक लेक्चर का वीडियो बना दूंगा, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते बच्चों यहाँ पर साझेदारी का विषय प्रवेश। बच्चों बात करो तो ये चैप्टर का जो वेटेज है बच्चों, वो हालांकि 4 नंबर का है। कितने नंबर का है बच्चों? वो 4 नंबर का है, जिसमें से 1 नंबर का MCQ आता है और 1 नंबर का क्वेश्चन आंसर आता है। मतलब ये सेक्शन ए में आता है और ये सेक्शन बी में आता है, और सेक्शन सी में बच्चों 2 नंबर का एक सम आता है जो सेक्शन सी में पूछा जाता है बड़ा, और 100% बच्चा आना तय होता है। और इसी सेक्शन में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और बच्चों जिस तरीके से मैं आपको क्वेश्चन कराऊं, जिस तरीके से सॉल्व कराऊं, आपको उसी तरीके से प्रैक्टिस करना रहेगा। क्लियर हो गया? तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं, इस चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। तो आज के टॉपिक में बच्चों हम आपको पढ़ाने वाले हैं आहरण से ब्याज। तो बच्चों आज के टॉपिक में हम आपको पढ़ाने वाले हैं आहरण पर ब्याज। हमारा टॉपिक नंबर 1 क्या है बच्चों? आहरण पर ब्याज, ये टॉपिक नंबर 1। हर एक टॉपिक बच्चों में डिटेल में समझाऊंगा, बस आपको क्या करना है, शांति से समझना है। आहरण पर ब्याज का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, उसका जो सूत्र होता है, पहले उस सूत्र समझ लेते हैं। I=PRN/100, यही होता है मेरे प्यारे बच्चों। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि सर P का मतलब क्या होता है, R का मतलब क्या होता है, N का मतलब क्या होता है और I का मतलब होता क्या है। तो बच्चों ध्यान से सीखिए बच्चों, यहाँ पर सब चीज़ों का मीनिंग लिखा हुआ है। चलिए यहाँ पर हम सीखते हैं बच्चों इसका मतलब क्या है। बच्चों आई का मतलब यहाँ पर होता है, आई का मतलब होता है बच्चों ब्याज, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंटरेस्ट, क्लियर। और पी का मतलब होता है बच्चों मूलधन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल। आर मतलब होता है बच्चों ब्याज का दर, जिसे कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। और बच्चों एन मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर, मतलब जिसे कहते हैं समय। और बच्चों इस टॉपिक में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है बच्चों? एन होता है। क्यों? क्योंकि बच्चों एग्जाम में आपको बड़ा टेक्स्ट बुक के अंदर आपको सारी वैल्यू दी होगी, बट आपको एन की वैल्यू यहाँ पर बड़ा आपको निकालना पड़ता है। बट निकालने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, तो आपको बड़ा ये 3 कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। वो कंडीशन क्या है बच्चों? पहले कंडीशन को समझ लो बच्चों। तो यहाँ पर कंडीशन क्या लिखा हुआ है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है नोट एन के लिए। तो बच्चों जैसे पहला कंडीशन नंबर 1 क्या लिखा है? प्रति मास के अंत में अगर बच्चों आहरण करता है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा होगा। क्या लिखा होगा? प्रति मास के प्रारंभ में अगर बच्चों अगर आहरण करता है, तो आपको एन की जगह पे क्या लिखना है बच्चों? 78/12 लिखना है। और दूसरा कंडीशन, अगर सवाल के अंदर प्रति मास के अंत में लिखा है बच्चों, तो आपको लिखना है 66/12, क्लियर। और तीसरा बच्चों, कभी भी एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, लेकिन बच्चों अगर बाय चांस क्वेश्चन पूछ ले कंफ्यूज करने के लिए, तो आप इसे भी याद रखना, या MCQ में पूछ ले तो भी आपको पता होना चाहिए। प्रति मास के मध्य में आएगा बच्चों, क्या लिखोगे? 72/12। लेकिन ज़्यादातर एग्जाम में चांसेस होता है बच्चों पहला और दूसरा। चलिए एक प्रैक्टिकल सवाल लेकर मैं आपको समझाता हूँ, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए लेता हूं बच्चों स्वाध्याय का क्वेश्चन नंबर 3 का पहला।
चलिए बच्चों, यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन करने वाले आहरण पर ब्याज का टॉपिक क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन को समझते बच्चों। और यही क्वेश्चन बच्चों मार्च 19 में पूछा गया था। कब पूछा गया था? बोर्ड में मार्च 19 में पूछा गया था। मतलब ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है बच्चों? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जिस पे मैंने हाईलाइट किया है उसको आपको बच्चों, आप लोगों को भी बच्चे वहां पर जाके टिक कर लेना, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक साझेदारी पीढ़ी में प्रति मास के अंत में, बच्चों क्या लिखा है? प्रति मास के अंत में। अभी मैंने आपको कंडीशन सिखाया था, तीन कंडीशन इनके लिए, तो बच्चों इसको बोलेंगे एन। प्रति मास के अंत में बोला तो क्या लिखेंगे? 66/12। क्लियर। आगे समान रकम का आहरण करता है। वर्ष के अंत में कुल वार्षिक आहरण, बच्चों कुल वार्षिक आहरण आपको कितना दिया बच्चों? 12,000। तो यदि वार्षिक आहरण पर 12% की दर से ब्याज वसूल करेगा तो रेट आपको कितना दिया बच्चों? दर क्या दिया है? 12। तो वर्ष के अंत में आहरण पर ब्याज की गणना करूं। तो जो जो दिया है बच्चों पहले हम इसे लिख लेते हैं। चलिए जो जो दिया है बच्चों पहले हम लिख लेते हैं। पहले तो आपको क्या क्या दिया है बच्चों पहले हम उसे देख लेते हैं। क्या क्या दिया है? तो पहले यहाँ पर दिया है बच्चों, आपको यहाँ पर लिखा है प्रति मास के अंत में। प्रति मास के अंत में बच्चों, जब भी कभी सवाल के अंदर प्रति मास के अंत में आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? एन बोलेंगे। मतलब एन बराबर कितना होगा? 66/12। ये बात मैंने आपको बताई थी बच्चों, ये रहा प्रति मास के अंत में 66/12। बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ मेरे प्यारे बच्चों? चलिए आगे, उसके बाद क्या दिया है? कुल वार्षिक आहरण। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों वार्षिक आहरण, वार्षिक आहरण, वार्षिक आहरण आपको कितना दिया बच्चों? 12,000 दिया है। क्लियर हो गया। आगे और क्या दिया है बच्चों? और आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है देखो, और आपको यहाँ पर बच्चों दर दिया है, रेट दिया है। तो रेट आपको दर कितना दिया है बच्चों? 12%। और यहाँ पर क्या बोला है बच्चों? यहाँ पर पूरे साल का दिया है, लेकिन हमें आहरण जब निकालना होता है बच्चों वो एक एक महीने का निकालना होता है। तो कैसे निकालोगे बच्चों? मासिक आहरण, मतलब कि मास का यहाँ पर आहरण निकालना है तो लिखेंगे मासिक आहरण बराबर, यहाँ पर बच्चों कुल वार्षिक आहरण कितना दिया बच्चों? 12,000 दिया। तो 12,000 भागे कितना करेंगे बच्चों? 12। तो कितना आएगा बच्चों? तो यहाँ पर मासिक आहरण निकल के आएगा, मास का आहरण निकल कर आएगा कितना आएगा बच्चों? भाग देंगे कितना आएगा? 1,000 आएगा। तो यही 1,000 आपका क्या होगा बच्चों? एक महीने का आहरण होगा। अगर पूरे साल का 12,000 है तो एक महीने का हो जाएगा 1,000 रुपये। अब हमें बच्चों निकालना क्या है? अब हमें निकालना है आहरण पर ब्याज। तो यहां लिखेंगे आहरण पर ब्याज। इसका सूत्र क्या था बच्चों? आई बराबर पी गुड़े आर गुड़े एन बटे में 100। तो चलिए बच्चों यहां पर अब हम देखते हैं पी। तो बच्चों पी यानी मासिक आहरण, मासिक आहरण कितना दिया बच्चों? 1,000 दिया है। तो 1,000 गुड़े रेट, रेट कितना दिया बच्चों? 12। तो 12 एन, एन कितना दिया बच्चों? 66/12। और बच्चों परसेंट है ना, तो परसेंट का मतलब क्या होगा बच्चों? यहाँ पर 100 होगा। क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बात करते बच्चों, अब यहाँ पर क्या करना है तो देखो एक बार ध्यान से, इन तीनों का गुणा करके बच्चों इन दोनों से भाग दे दो। कैसे करोगे ध्यान से सीखो बच्चों। पहले एक, या तो एक काम करो, 0 से 0 कट कर दो, 12 से 12 कट कर दो बच्चों। तो 10 गुड़े 66 कितना होगा बच्चों? यहाँ पर हो जाएगा 660। यही क्या होगा बच्चों? आहरण पर ब्याज होगा। आइए बच्चों आपको ये टॉपिक काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। अगर बच्चों आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अभी इसी वक्त लाइक करो बच्चों। उसके बाद आपको इसी की तरह सेम टू सेम बच्चों आपको यहाँ पर क्वेश्चन बच्चों उदाहरण नंबर 1 करना है। उदाहरण नंबर 1 इसी तरीके से है,
पर क्वेश्चन पूछ लेना बच्चों किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। मैं आपको एक बार समझा देता हूँ उदाहरण नंबर एक में क्या दिया गया है। तो बच्चों उदाहरण नंबर एक में भी डिट्टो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है वैसे ही आपको यहाँ पर बच्चों निकालना रहेगा। तो आप बच्चों इसी तरीके से क्वेश्चन है तो उदाहरण नंबर एक आपको बच्चों क्या करना है खुद से प्रैक्टिस करना रहेगा। तो बच्चों बाकी का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ कराएंगे। अभी के लिए बच्चों बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।